हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी सुबह सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज ठंडी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से देख लो बाल पूरे एकदम झाड़ियों के जैसे बन गया है। फिर भी लेकिन ठीक है, ठंडी से बचने के लिए टोपी तो पहनना पड़ेगा। और सुबह सुबह मैं नीम के दातुन कर रहा हूँ, थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन दांतों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और थोड़ा मुँह भी फ्रेश पूरा लगता है। और आज के नाश्ते में है रोटी सब्जी और साथ में सेवई, तो जल्दी जल्दी इसको खा। और हमारे मालिक क्रांति भैया का हम लोग घर देखने के लिए आ गए हैं, तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है। तो घर का एक आप लोगों को छोटा सा टूर देते हैं, अभी तो काम चल ही रहा है लेकिन घर आप लोगों को दिखा देते हैं। उससे पहले आप छत से आप लोकेशन देख लीजिए आसपास का। और ये छत रहा, छत पे भी इधर काम वाम चल रहा है। जॉनी और हम अब देखने आ गए हैं, इधर आसपास देख लीजिए पूरा। हाँ तो क्रांति, क्या बोल रहे क्रांति? कमिंग सून में टेंट हाउस है। टेंट हाउस तो है ही है, उसका सपोर्ट भी हम लोग अभी रहेगा। इधर देख लीजिए पूरा छत से एकदम पूरा बीचों बीच है, आसपास पूरा घर दिखता है। और अभी घर बन के तैयार ही हो रहा है। ये सीढ़ी रहा और इधर सिंटेक्स है, टंकी है। इधर बाहर का लोकेशन आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये रहा बाहर का लोकेशन थोड़ा। ये बेसमेंट टंकी है, इधर सामने भी कुछ थोड़ा मोड़ा काम चल रहा है, तो नीचे भी आप लोगों को दिखा देते हैं रूम। और अब आइए आप लोगों को नीचे का भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। सीढ़ी है, सीढ़ी से उतर रहे हैं। उधर कुछ इधर ऐसा लोकेशन दिख जाएगा। इधर काम चल रहा है। हम जितना जल्दी कंप्लीट लाइट जमा भैया, एक बल्ब करवा दीजिए यार, उधर एक बड़ा वाला। इधर भी काम हो रहा है ना जॉनी, कब तक शिफ्ट हो जाना है क्रांति? ठीक है ठीक, जल्दी से जल्दी गृह प्रवेश करवाइए, हम लोग को पार्टी दीजिए। निकल रहे हैं, अब मार्केट जाएंगे, थोड़ा जॉनी को काम है। और बाहर से कुछ ऐसा लोकेशन इधर का है। थोड़ा सा इधर स्पेस गली में कम हो गया है लेकिन फिर भी ठीक जगह है, आसपास पूरा लोग भी ठीक है। तो अभी सुबह सुबह जॉनी मार्केट लेके आ गया है, देखते हैं कुछ खरीदना था जॉनी को। बहुत दिन के बाद मार्केट आ रहे हैं और ब्लॉगिंग भी थोड़ा 3-4 दिन के बाद आ रहा, क्योंकि बीच में थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था। तब मार्केट आ गए हैं, कुछ खरीदते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। बुरकुंडा में अभी भी टेकर गाड़ी चल रहा, आप लोग भी पहले इसमें सफ़र किए होंगे। और हार्डवेयर दुकान में जॉनी तार ले रहा है। क्या ले रहा जॉनी? तार ले रहा है, ले लो। तब तक इधर मार्केट में हम थोड़ा दिखा देते हैं। पहले संडे का ज़्यादा भीड़ रहता था लेकिन अब तो लग रहा है रोज़ संडे है, संडे मंडे सब बराबर हो गया है। तो मार्केट में तार खरीद लिए, अब वापस घर जाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं इस तार का क्या यूज करता है जॉनी। इधर देख लीजिए तार से क्या हो रहा है। तो जॉनी यहाँ पे इधर बगान किया, इधर सब्जी उब्जी लगाया है तो उसका बाउंड्री क्लियर हो रहा है। इधर चाची गेहूँ भी सुखा रही है साथ में। जॉनी को शौक लग गया अचानक से सब्जी लगाने का, कैसे सोच लिया तुम ये चीज़ जॉनी अचानक से? सोचे, हम देखे थे गूगल पे कि खेती करना, गूगल पे सर्च करके देखा ना। क्या क्या लगाया है? अभी टमाटर लग चुका है, टमाटर धनिया पत्ता लहसुन प्याज सब लगेगा। हाँ तो अभी इधर लग गया है, अभी निकला नहीं है, अभी जस्ट एक दिन पहले लगाया था, अभी निकल जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। जानवर से बचाने के लिए हम घेर भी रहे हैं। हाँ तो वो तो है, जाली है। जानवर भी इधर देख लीजिए, एक से एक है, कुत्ता बिल्ली। घुसने नहीं देंगे, तो उससे बड़का जानवर हम हैं। चेतावनी है ना, चेतावनी है जानवर सबको भी और इंसान सबको। बड़बड़ी सुबह सुबह नीतीश गाड़ी धोने आ गया है। कौन गाड़ी है तेरा नीतीश? BMW है ये। हाँ धो, कहाँ जाना है धोता के? जाएंगे थोड़ा पतलाकी नीचे से घूमने डैम। हाँ जी, तो अकेले? हाँ तो ना, तो किसी को ले के ना जाओ। किसको ले जाए बताइए, तुम ही ना बताएगा। कोई नहीं है जी, ऐसे नहीं है कोई, अपना मालिक लेके जाएगा। अरे नहीं, ऐट सर मारा है तुम, बोल दो। हाँ। सब जानेंगे ना, जानना चाह रहा। बहुत मेहनत करता है नीतीश, संभल के चलो, गिरने से भी बचा है तुम।
वहाँ देख पानी फेंक रहा बाल्टी से। कल चलना है ना राय? वैसे कहे चला कर रहा, चला कह रहा है नीचे। का दिक्कत है तुको? बहुत बड़ी दिक्कत है, काफी बीमारी हो गया। बीमारी हो गया लंगड़ी के, लंगड़ी की बीमारी हो गया। अभी तो हम ये गाड़ी धो रहे हैं, चलो एक साल बाद देख लीजिएगा, इसका जगह पे एक थार खड़ा करेंगे और हम थार अब धोएंगे अगला साल, देख लीजिए। कहाँ से लाएगा थार? लाएंगे कमा के। कहाँ से कमाएगा? यूट्यूब चैनल से कमाएंगे। और कहाँ से कमाएंगे? यूट्यूब चैनल से कमाएगा ना। प्लानिंग बहुत बड़ा बड़ा है तेरा ना, सोच कभी बड़ा रखते हैं। ठीक किया है तुम। तो गाइस अभी आप लोग नीतीश का फ्यूचर प्लानिंग सुने, देखे कि कैसा नीतीश बोल रहा है कि एक डेढ़ साल के बाद हम थार खरीद लेंगे। बहुत अच्छा बात है और हम भी दुआ करेंगे कि नीतीश जल्दी जल्दी थार खरीद के हम लोग सबको दोस्त लोगों को घुमाएं। और देख लीजिए नीतीश अभी यहाँ पे नहा रहा है, तो ऐसे खुला में नीतीश नहाना पसंद करता है, एकदम सिंपल ज़िंदगी जीता है। लेकिन प्लानिंग है फ्यूचर में कि थोड़ा सा लग्जरी लाइफ जिए। नहा नीतीश, नहा लो। तो अभी शाम का टाइम हो गया, टोपी और जैकेट भी पहन लिया है क्योंकि ठंड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अभी जस्ट थोड़ी देर में चाय पीने के लिए जाएंगे अपने स्टेशन के पास, तो उस समय मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम लोग चाय पी के वापस आ रहे हैं और ये रहा थाना से जो रोड आता है ग्लास फैक्ट्री को, उस रोड में जा रहे हैं। तो बहुत यहाँ पे थोड़ा पुराना जो चीज़ होता है ना, उस चीज़ को याद कर रहे हैं और आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ग्लास फैक्ट्री को भी देखना चाह रहे हैं, तो इसका लोकेशन आप लोग को दिखाते हैं और कुछ बताते भी हैं इसके बारे में। और ये ग्लास फैक्ट्री का इधर स्टाफ गेट कहा जाता था इसको, यहाँ पे झंडा फहरता था, कंपनी स्कूल से बच्चे लोग आते थे। और ये कुछ यहाँ का ऑफिस है, पूरा जंगल बन गया है। अभी भी पेड़ वेड़ वैसे ही है, थोड़ा मेंटेनेंस नहीं है बस। देखो यही जगह है। और जो नहीं कुछ याद हुआ तुम अपना शेयर कर सकता है चाहे तो। याद मेरे पास यही है कि यहाँ पे एक समय साइकिल स्टैंड हुआ करता था, यहाँ पे हम लोग बस लगता था, यहाँ लाइन लगते थे स्कूल जाने के लिए, तो सब हम लोग डीएवी स्कूल में पढ़ते थे। और यही था स्टाफ गेट, ये रहा स्टाफ गेट, अंदर ले चलते हैं। ये ग्लास फैक्ट्री का गेट रहा यहाँ पे, कहाँ अंदर जाएगा, छोड़ो यहीं से चलो। ग्लास फैक्ट्री का गेट यहाँ पे है। तो विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग आते थे यहाँ पे, प्रसाद मिलता था, बतासा मिलता था, करके बुंदिया मिलता था। आए जोनी तुम? लेने हम भी आए हैं। तो हम लोग पे बहुत अच्छा रहता था पहले, और भी बहुत लोग आया होगा यहाँ पे, तो कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग अगर आप आए होंगे तो। और ऐसे करते करते यहाँ पे रोड निकल जाता है दुर्गा मंडप, तो दुर्गा मंडप तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो अब वापस घर चलते हैं, उसके बाद आग जलाएंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी फाइनली डिनर का टाइम हो गया, तो जल्द से जल्द डिनर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस कुछ दूर के लिए मैं बुरकुंडा से बाहर जा रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी सी पैकिंग करनी है, और कहाँ जा रहा हूँ ये आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। फाइनली बैग पैक कर लिया, मुझे कहाँ जाना है वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर सुबह नए से ब्लॉग में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नए से ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।